गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा, चलिए आई होप आज आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि जो चैप्टर है वो हमारा बहुत ही सिंपल सा है। दैट मीन्स कि प्लांट डाइवर्सिटी या प्लांट किंगडम हम लोग इसको कहते हैं। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से हम लोगों ने कवर किया था और इसे जो क्वेश्चन है वो भी बहुत सिंपल कहने का मतलब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। तो फिर भी इसमें अगर आपको कुछ डाउट है या जो भी चीज़ है, तो उसको हम लोग कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको वन बाय वन करके हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। आई होप जिसमें आपको डाउट आ सकता है वैसे क्वेश्चन को। इसके अलावा भी अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 46 को। डैट मीन्स की बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ए फुल मैच्योर प्लांट बॉडी अनडिफ्रेंशिएटेड इन रूट स्टेम एंड लीफ इज कॉल्ड। तो उसको हम लोग यानी थैलोफाइटा जो नाम आया था वो थैलोफाइटा क्यों? क्योंकि थैलस लाइक बॉडी होता है तो उसको हम लोग थैलस कहते हैं। इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा था? तो थैलोफाइटा नाम पड़ा था। ठीक है, तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टीडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ऐसे ऐसे जो फाइव जो है वो डिवीजन थे प्लांट के। उसके बाद आइए 47 नंबर क्वेश्चन में, एल्गी आर इंक्लूड इन। तो एल्गी किस में इंक्लूड होता है? तो थैलोफाइटा में। तो थैलोफाइटा का एक ही जो है वो पार्ट है ये, थैलोफाइटा में सिर्फ एक ही पार्ट है वह है एल्गी। उसके बाद आइए 48 में, एल्गी आर कैरेक्टराइज्ड बाय थायलॉइड प्लांट बॉडी, फाइकोबिलिन, यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन, मैकेनिकल टिश्यू। तो यहाँ पर जो एल्गी हैं वो कैसे कैरेक्टराइज होते हैं? तो थायलॉइड लाइक, यानी कि रूट स्टेम एंड लीफ आर नॉट डिफरेंशिएटेड, आर नॉट डिफरेंशिएटेड। तो वैसे को क्या कहते हैं हम लोग? थैलोफाइटा। उसी को क्या कहेंगे? तो थैलोफाइटा। तो एल्गी उसी में इंक्लूड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह, एल्गी रिजेंबल फंगाई इन द प्रेजेंस ऑफ सिमिलर। तो रिजेंबल फंगाई, फंगाई के जैसा वो सिमिलर है किस पार्ट से? तो उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होते हैं सेम होता है। सेल वॉल से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि फंगाई का सेल वॉल सेलुलोज का होता है, सॉरी, फंगाई का सेल वॉल काइटिन का होता है, जबकि एल्गी का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। तो इसीलिए यहां पर जो है वह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के हिसाब से दोनों सेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह, ग्रीन एल्गी आर एंसेस्टर ऑफ एंजियोस्पर्म एंड प्लांट बिकॉज। देखो, ग्रीन एल्गी कह रहा है कि एंसेस्टर है। क्यों भाई? क्योंकि ग्रीन एल्गी के पास, ग्रीन एल्गी के पास जो पिगमेंट है, जो रिजर्व फूड है, वो सिमिलर होता है एंजियोस्पर्म के जैसा। तो इसीलिए ग्रीन एल्गी इज द एंसेस्टर ऑफ एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सारे चीज के, क्योंकि दोनों के सारे चीज जो होते हैं वह सिमिलर होते हैं। तो यहां पर इसका बी, यानी रिजर्व फूड एंड पिगमेंट, पिगमेंट इसमें ऑप्शन नहीं दिया लेकिन फिर भी आपको करा दे रहा हूं, पिगमेंट आर सिमिलर। 51, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, एल्गी सो एम्ब्रियो स्टेज, एल्गी सो ओनली हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल, एल्गी आर प्लांट एज दे प्रोड्यूसेस सेल वॉल काई ए एंड स्टार्च फूड। सी एच ए दिया मतलब क्लोरोफिल ए एंड स्टार्च फूड एंड ऑल ऑफ दी एवव। तो यहाँ पर सी जो है, आर दे पोजेस सेल वॉल, क्लोरोफिल एंड स्टार्च फूड। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट सी है ये सही है। एल्गी सो एम्ब्रियो स्टेज, नहीं, ऐसा नहीं है। एल्गी सो ओनली हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल, एल्गी में दोनों होते हैं, हैप्लोइडिक एंड डिप्लोइडिक दोनों लाइफ साइकिल होते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका वह करेक्ट है। 52 देखिए, ऑल एल्गी पोजेसेस, सभी एल्गी में क्या होते हैं? तो क्लोरोफिल ए एंड बी, क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीन एंड फाइकोबिलिन। देखो जितने भी आएंगे ना, तो उसमें क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीन सभी में होता है। ए बी क्लोरोफिल मतलब जो भी क्लोरो है, ये ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, सब में ये क्लोरोफिल एक कॉमन है। 53 को देखिए, लार्जेस्ट ए सेलुलर ग्रीन मैरीन एल्गा पॉपुलरली कॉल्ड अम्ब्रेला प्लांट इज। तो उसको पॉपुलरली कॉल्ड अम्ब्रेला प्लांट कौन सा है? तो एसिटेबुलेरिया।
ये पढ़ाया हुआ है आपको, सभी पढ़ाए हुए हैं लेकिन ये टॉपिक स्पेशली लिखाया हुआ है, एसिटेबुलेरिया इज अम्ब्रेला प्लांट। अब देखो लार्जेस्ट एसेलुलर मैरीन ग्रीन एल्गा, हाँ उसके बाद केल्प, केल्प के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है अच्छे से। तो लार्ज मैरीन पेरेन्काइमेटस ब्राउन एल्गी जो है वह केल्प है, तो केल्प जो है वह ब्राउन एल्गी में आते हैं। उसके बाद 55 में आइए, रेड आई स्पॉट इज मीन्ट फॉर, रेड आई स्पॉट जो है वह किसके लिए हैं, तो फोटो रिसेप्टर के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिप्लॉयड स्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाई वन सेल्ड जाइगोट ओनली इन, तो क्लेमाइडोमोनास एस्पर्गेरा दोनों में ये स्टेज हमें देखने को मिलता है, इसलिए दोनों आप कर सकते हैं। मियोसिस इन, मियोसिस हमें जो है वो किसमें है, तो एज द जाइगो स्पोर जर्मिनेट्स, जो जाइगो स्पोर जाइगोट से जर्मिनेट करते हैं, अगर कोई यूनिसेलुलर एल्गी है और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो जाइगोट के बाद में उसे मियोसिस करना पड़ेगा, ठीक है, तो वहां पर उसी को कहते हैं जाइगोटिक मियोसिस। और एक होता है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे मियोसिस, तो उसको कहते हैं गैमेटिक मियोसिस। तो यहाँ पर ये जो है मियोसिस इन, तो वह जो है वो एज द जाइगो स्पोर जर्मिनेट, जब जाइगो स्पोर जर्मिनेट करता है। आफ्टर कंजुगेशन इन स्पाइरोगाइरा द प्रोडक्ट फॉर्म इज, वो जाइगो स्पोर होगा, आंसर सही है इसका बी। ए सेक्सुअल स्पोर विथ फ्लैजिला इन एल्गी आर कॉल्ड, ए सेक्सुअल स्पोर जो है तो वह जू स्पोर अल्पेनो स्पोर। जू स्पोर में क्या होते हैं, तो जू स्पोर का मतलब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 59, जू स्पोर मैंने क्या बताया बेटा, जू स्पोर मैंने बताया है कि जब फेवरेबल कंडीशन होंगे जब फेवरेबल कंडीशन होंगे, ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो फ्लैजिलेटेड क्या बनेंगे, तो फ्लैजिलेटेड स्पोर का फॉर्मेशन होता है और उसी को कहते हैं हम लोग जू स्पोर। और अनफेवरेबल कंडीशन में जो नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर बनते हैं उसको कहते हैं अल्पाइनो स्पोर। तो यहाँ पर ये जू स्पोर हो जाएगा। स्कैलरी फॉर्म जिसे लैडर लाइक कंजुगेशन इन स्पाइरोगाइरा इज मोस्ट कॉमन एंड टेक्स प्लेस बिटवीन, तो वो कहाँ होते हैं, तो टू सेल ऑफ डिफरेंट फिलामेंट। तो यहाँ पर स्पाइरोग्राम कंजुगेशन, कंजुगेशन का मतलब ये लैडर लाइक इस तरह से कंजुगेशन जो होते हैं उसको लैडर लाइक कंजुगेशन हम लोग कह सकते हैं, एक डायग्राम से थोड़ा रिप्रेजेंट करने का। तो ये जो है वो स्पाइरोग्राम में हमें देखने को मिलता है, तो एडजेसेंट दो दो फिलामेंट है उनके बीच में ये चीज होती है। शेप ऑफ स्पाइरोगाइरा क्लोरोप्लास्ट इज, तो स्पाइरोगाइरा क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो स्पाइरल बैंड लाइक, गैमेट ऑफ स्पाइरोगाइरा आर, स्पाइरोगाइरा का गैमेट जो होते हैं तो वो गैमेट नॉन फ्लैजिलेटेड हो गए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन स्पाइरोगाइरा, ठीक है ये स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, जैसे कह रहा है कि फिलामेंट शोइंग स्कैलरी फॉर्म कंजुगेशन आर ऑलवेज डायोसियस, नहीं, फिलामेंट शोइंग लैटरल कंजुगेशन आर ऑलवेज मोनोसियस, तो ये मोनोसियस होते हैं। मोनोसियस एंड डायोसियस आपको याद आ रहा है, तो यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल जो प्लांट होते हैं उसी को मोनोसियस एंड डायोसियस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगार अगार आप जानते हो, अगार अगार हमने बताया था कि जो माइक्रोब्स के ग्रोथ के लिए बैक्टीरिया वगैरह का कल्चर करने के लिए अगार अगार जो है वो हम लोग आइसोलेट करते हैं, यानी सेल वॉल में है अगार अगार एक केमिकल रहता है वो प्रेजेंट होता है, उसको आइसोलेट करके हम लोग न्यूट्रिएंट्स मीडिया तैयार करने का काम करते हैं, अगार अगार उसी को कहते हैं। तो यहाँ पर अगार अगार एन इम्पॉर्टेंट सॉलिडिफाइंग एजेंट, जो गर्म करने पे थोड़ा सेमी सॉलिड होगा और ठंडा होने पे सॉलिड हो जाएगा, तो इसका यूज करते हैं हम लोग बैक्टीरिया वगैरह का कल्चर में। तो यहाँ पर वही कह रहा है, अगार अगार एन इम्पॉर्टेंट सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज इन कल्चर मीडिया इज ऑप्टेन फ्रॉम, तो अगार अगार कहाँ से, तो अगार अगार हमें रेड एल्गी से मिलता है, तो अगार अगार ऑप्टेन फ्रॉम रेड एल्गी।
अब आइए, रेड एल्गी सो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस इन ब्लू ग्रीन लाइट, देयर मेन पिगमेंट टू ट्रैप दिस लाइट इज, तो रेड एल्गी है तो उसमें जो मेन जो होगा वो फाइको इरिथ्रीन। हम आपको रेड एल्गी में बताए थे दो चीज, फाइको इरिथ्रीन एंड बेटा दूसरा क्या था, वह है फाइको शाइनिन। तो ये दो पिगमेंट है जिसमें फाइकोरिथ्रिन जो है मेन रिस्पॉन्सिबल होता है वो रेड लाइट के लिए। मेन पिगमेंट इन फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी में, तो मेन पिगमेंट ब्राउन एल्गी में क्या होता है, तो फ्यूकोजेंथिन। ब्राउन एल्गी का फ्यूकोजेंथिन जो है वो मेन पिगमेंट होते हैं। फूड रिजर्व इन रोडोफाइटा यानी रेड एल्गी इज, तो रेड एल्गी का क्वेश्चन नंबर कौन सा ये, हाँ क्वेश्चन 67 पे हम लोग हैं अभी। तो फ्लोरिडियन स्टार्च जो होते हैं, फ्लोरिडियन स्टार्च जो होता है वो मेन रिजर्व फूड मटेरियल होता है। 68 रिजर्व फूड इन फियोफाइसी इज, तो उसमें लैमिनरीन एंड मैनिटॉल, लैमिनरीन एंड मैनिटॉल। अगर याद होगा ग्रीन एल्गी, तो ग्रीन एल्गी का क्या होता है स्टार्च, ब्राउन एल्गी का लैमिनरीन एंड मैनिटॉल, रेड एल्गी का फ्लोरिडियन स्टार्च। तो इस तरह से आप थोड़ा याद कीजिएगा। अब आइए, कह रहा है आयरिस मॉस, आयरिस मॉस किसको कहते हैं, तो आयरिस मॉस इज कॉन्ड्रस। रेड रस्ट डिजीज टू टी एंड कॉफी लीव्स इज काउज्ड बाई ए पैरासिटिक ग्रीन एल्गा एंड नॉट बाई ए फंगस, दिस एल्गी इज, तो उस एल्गी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस एल्गी को सिफेलिवरॉस। वह एल्गी कौन सा है, तो वह एल्गी है सिफेलिवरॉस। सिफेलिवरॉस वायरिसेंस। तो फिर ए सिंगल थैलाकॉइड पर ग्रेनम इज फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ, तो वह कौन सा है, तो रेड एल्गी। ए सिंगल थैलाकॉइड पर ग्रेनम यानी ग्रेनम में एक ही थैलाकॉइड होता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट जब आपको पढ़ा गया होगा तो वहां पर बहुत सारे थैलाकॉइड मिलकर के एक ग्रेनम बनाते हैं, यानी कि ग्रेनम थैलाकॉइड का सेंस नहीं है, वहां पर ग्रेनम ही जो है वो थैलाकॉइड के फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि सिंगल थैलाकॉइड पर ग्रेनम इज फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ, तो किसमें, तो वह जो है वह रेड एल्गी में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर ए स्मॉलर एंड मोटाइल मेल गैमेट्स फ्यूज विथ लार्जर एंड मोटाइल फीमेल गैमेट्स नोन एज, तो उसको क्या कहते हैं, आइसोगैमी में दोनों सिमिलर एंड एन आइसोगैमी में ये सारा कंडीशन आता है, आपको हम बता रखे हैं। तो आइसोगैमी ये नहीं होगा क्योंकि दोनों सिमिलर होते हैं, तो यहाँ पर कौन, एक मोटाइल और लार्ज है, दूसरा नॉन मोटाइल एंड स्मॉल है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, एन एनाइसोगैमी। ओके, लैडर लाइक स्ट्रक्चर इज ऑब्जर्व इन स्पाइरोगायरा ड्यूरिंग, तो स्कैलरी फॉर्म कंजुगेशन उसी को कहते हैं, क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है, विच इज नोन एज पॉन्ड स्कम, या ये आपको अच्छे से पता है, तो स्पाइरोगायरा इज द पॉन्ड स्कम। एल्जीनिक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ, एल्जीनिक एसिड जो है वह किसके सेल वॉल, तो लैमिनेरिया जो है वह वहां पर आता है। नेक्स्ट आइए, प्लांट लैकिंग सीड एंड वास्कुलर टिश्यू बट फॉर्मिंग ए स्पोर एंड एम्ब्रियो आर, तो प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैकिंग सीड, सीड नहीं है, वास्कुलर टिश्यू नहीं है। वास्कुलर टिश्यू कहाँ से स्टार्ट होता है, तो टीडोफाइट से स्टार्ट होते हैं वास्कुलर टिश्यू। एल्गी में एंड ब्रायोफाइटा में वास्कुलर टिश्यू नहीं है,
लेकिन ब्रायोफाइटा में थोड़े रूट लाइक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाता है, एल्गी में एकदम नहीं होता है, पूरा थाइलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर एल्गी में एम्ब्रियो स्टेज भी नहीं बनता है जबकि ब्रायोफाइटा में एम्ब्रियोनिक स्टेज बनते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आइए देखिए, तो प्लांट लाइकिंग सीड, सीड नहीं होगा, वस्कुलर टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू भी नहीं होगा, बट फॉर्मिंग स्पोर एंड एम्ब्रियो आर, तो उसको क्या कहेंगे, तो ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा ग्रो इन मॉइस्ट ह्यूमिड प्लेस, एज ब्रायोफाइटा जो है वो मॉइस्ट ह्यूमिड प्लेस में वह ग्रोथ करता है, क्यों, दे हैव नो क्यूटिकल, वहां उसमें क्यूटिकल नहीं होता है, सही बात है, रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, ऑब्वियस सी बात है। ट्रीडोफाइटा तक रिप्रोडक्शन के लिए यानी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में वाटर की जरूरत पड़ भी सकती है नहीं भी पड़ सकती है, लेकिन यहां तक फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब वाटर होंगे, ट्रीडोफाइटा तक, ट्रीडोफाइटा के आगे नहीं, ठीक है, ट्रीडोफाइटा के आगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पड़ भी सकती है और नहीं भी पड़ सकती है, तो वो अलग पॉलिनेशन का कंडीशन अलग है, लेकिन यहाँ पर ट्रीडोफाइटा तक यानी एल्गी के बाद जो ब्रायोफाइटा ट्रीडोफाइटा यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत पड़ेगी। तो ऑल ऑफ द एबव जो स्टेटमेंट है वो सही है इसके रिगार्डिंग, तो आंसर डी हमारा हो जाएगा इसका। ब्रायोफाइट डू नॉट अटेंड मच हाइट बिकॉज ये ज्यादा हाइट को अटेंड नहीं कर पाता है, क्यों, दे डू नॉट हैव वास्कुलर सप्लाई, सही बात है, क्योंकि ज्यादा हाइट करेगा तो वाटर को रूट से स्टेम तक जाना पड़ेगा, वास्कुलर टिश्यू नहीं है, पानी कौन पहुंचाता है रूट से लीफ तक, तो जाइलम पहुंचाता है, इसमें जाइलम क्या है, वास्कुलर टिश्यू है, तो ना जाइलम होता है ना फ्लोएम होता है, तो पानी नहीं पहुंचेगा ऊपर, तो इसलिए ज्यादा हाइट अटेंड नहीं करता है, पहला बात ये सही है। दूसरी बात क्या कह रहा है कि दे डू नॉट हैव रूट एंड मैकेनिकल टिश्यू, सही चीज है, दे रिक्वायर वाटर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, ऑब्वियस ही बात है, तो डी ऑल ऑफ द अबव इज आंसर। ब्रायोफाइट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एल्गी, फंगाई, थैलोफाइट्स बिकॉज दे हैव, क्योंकि इसके पास थैलस, हैप्लोइड, गैमेटोफाइट बॉडी, नो, ठीक है, ब्रायोफाइट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एल्गी, ब्रायोफाइट जो है वो एल्गी से और फंगाई से डिस्टिंग्विश्ड होता है, थैलोफाइट्स बिकॉज दे हैव, ठीक है, जितने भी थैलोफाइट्स और फंगाई है उससे अलग है ये, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, तो थैलस, हैप्लोइड, गैमेटोफाइटिक बॉडी नहीं, क्लोरोप्लास्ट दोनों में होता है, नो कंडक्टिंग टिश्यू, स्टेराइल, जैकेटेड ऑफ सेल अराउंड मल्टी सेलुलर सेल, सभी जो है वो सब इसके एग्जाम्पल में से एक है, तो सभी कर लेंगे। ब्रायोफाइट्स, तो ब्रायोफाइट्स क्या सिखाते हैं, तो ब्रायोफाइट्स हमें दिखाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड जाइगोटिक मियोसिस, दोनों चीज हो सकता है, ब्रायोफाइटा भी जो है प्लांटिंग एंड डिप्लांटिंग दोनों लाइफ साइकिल को दिखा सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड स्पोरिक मियोसिस, नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट स्पोरिक मियोसिस, गैमेटोफाइटिक डोमिनेंस एंड स्पोरिक मियोसिस होते हैं, ठीक है, गैमेटोफाइटिक डोमिनेंसी होती है इसमें। राइजोइड डिफर फ्रॉम रूट्स आर, राइजोइड जो है वह रूट से डिफर होते हैं, क्यों, तो राइजोइड अराइज इन गैमेटोफाइट बट रूट इन स्पोरोफाइट, ये बात सही है, राइजोइड जो है वो गैमेटोफाइट में होता है जबकि रूट जो होते हैं वह स्पोरोफाइट में होते हैं। प्रीडोमिनेंट एंड लार्जेस्ट गैमेटोफाइट इज ऑफ, तो वो प्रीडोमिनेंट एंड लार्जेस्ट गैमेटोफाइट किस में है, तो वो मॉस में है। विच वन इज ट्रू मॉस, कौन जो है वह ट्रू मॉस है, तो कॉड मॉस, क्लब मॉस, आयरिस मॉस, आयरिस मॉस तो फंगाई से है, ये फंगाई कह रहा हूँ एल्गी से है, क्लब मॉस फंगाई से आता है, जबकि कॉड मॉस जो है वह ट्रू मॉस है, तो ऑल ऑफ द अबव नहीं, ए कर देंगे इसका। द स्पोर प्रोड्यूस इन कैप्सूल इन मॉस जर्मिनेट टू फॉर्म हैप्लोइड स्ट्रक्चर कॉल्ड, तो उसको प्रोटोनेमा कहते हैं, ये सब एल्गी का पार्ट भी आया था और ब्रायोफाइटा में मेन रूप से। तो सेक्स ऑर्गन ऑफ फुनेरिया आर, सेक्स ऑर्गन फुनेरिया का कैसा होता है, तो वह स्टॉल्क होते हैं। फुनेरिया इज इंक्लूड इन ब्रायोफाइट बिकॉज, फुनेरिया को ब्रायोफाइट में क्यों इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इट इज रूटलेस, इट इज विदाउट वास्कुलर सप्लाई, नहीं, इट्स स्पोरोफाइट इज पैरासाइट एंड अटैच टू गैमेटोफाइट, यस, तो स्पोरोफाइट ऑफ फुनेरिया इज, स्पोरोफाइट ऑफ फुनेरिया इज सेमी पैरासाइट, वही जो अभी ऊपर में आया था वही चीज यहाँ पे, स्पोरोफाइट पैरासाइट होते हैं, गैमेटोफाइट जो होते हैं वो अलग, स्पोरोफाइट जो है पैरासिटिक यानी स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड करते हैं, इसलिए उसको पैरासाइट कहते हैं। हम डेली आते हैं लेकिन अपना टिफिन लेके नहीं आते हैं, आपके टिफिन पे डिपेंडेंट, तो हम एक एज ए पैरासाइट के रूप में हो सकते हैं, क्यों, अपना न्यूट्रिशन आपसे पूरा कर रहे हैं, तो उसी तरह स्पोरोफाइट जो अपना न्यूट्रिशन जो है वो गैमेटोफाइट से पूरा करते हैं, इसलिए कहते हैं वो पैरासाइट है।
तो यहाँ पर ये टर्म यूज कर लेते हैं इसके लिए। फिर आइए आर्किगोनियम ऑफ फुनेरिया सिक्रीट म्यूसिलेज रिच इन, आर्किगोनियम ऑफ फुनेरिया सिक्रीट म्यूसिलेज रिच इन वो सुक्रोज होता है। पॉलीट्राइकम हैज हार्ट से प्रोथैलस, नहीं फूट सेटाइन कैप्सूल, ठीक है ना। पॉलीट्राइकम जो है वह फूट सेटा तीन पार्ट में बढ़ते हैं, फूट सेटा एंड कैप्सूल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट इज, ब्रायोफाइट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वो आइसोगैमस होता है, आइसो एन आइसो, तो आइसोगैमस सबसे कॉमन होते हैं, आइसोगैमस सबसे कॉमन हो जाएंगे। फिर उसके बाद में ब्रायोफाइट्स कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम एज, ब्रायोफाइट्स कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ब्रायोफाइट्स कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम एज दे इनहैबिट डैम्प प्लेसेस, दे हैव ट्रैकिड्स, देयर सेक्स ऑर्गन आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड, देन रिप्रोडक्टिव फेज रिक्वायर वाटर। तो यहाँ पर जो है वह द रिप्रोडक्टिव फेज रिक्वायर वाटर, हमेशा रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत होगी, ठीक ना। ओके नेक्स्ट आइए, ब्रायोफाइट डिफर फ्रॉम, ब्रायोफाइट डिफर फ्रॉम टीडोफाइट, ब्रायोफाइट टीडोफाइट से कैसे अलग है। तो टीडोफाइटा में वस्कुलर टिश्यू स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रायोफाइटा में वस्कुलर टिश्यू नहीं होते, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो यहाँ पर द एब्सेंस ऑफ वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ये हो गया। द लीवर वर्ट इज, तो लीवर वर्ट क्या है, तो लीवर वर्ट जो है वह पैरासाइट नहीं, किंग काइंड ऑफ वायरस ये भी गलत, ए फ्लावरिंग प्लांट नहीं, फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म, तो लास्ट ऑप्शन बचा डी, ए प्लांट विदाउट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। अगर ऐसे नहीं भी याद है तो लीवर वर्ट दिया है, ऊपर के तीनों ऑप्शन गलत हैं उसके हिसाब से, तो डी ऑप्शन अपने आप हो जाएगा। ब्रांच राइजॉइड एंड लीफी गैमेटोफाइट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ब्रांच राइजॉइड एंड लीफी गैमेटोफाइट्स, लीफी गैमेटोफाइट्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल ब्रायोफाइट्स, सम ब्रायोफाइट्स लाइक मॉसेस एल्गी लीवर वर्ट्स। तो आंसर में यहाँ पर आइए, तो वो क्या है, सम ब्रायोफाइट लाइक मॉसेस। इन द लाइफ साइकिल ऑफ फुनेरिया स्पोर्स आर बिगिनिंग ऑफ द जेनरेशन, तो वो क्या है, तो बिगिनिंग ऑफ द जेनरेशन तो गैमेटोफाइट के लिए है। स्फैग्नम काफी इंपॉर्टेंट चीज है, स्फैग्नम, ठीक है। तो स्फैग्नम इज ऑल्सो कॉल्ड पीट मॉस बिकॉज, क्योंकि वह धीरे धीरे डिपोजिट होकर के, स्फैग्नम ही पीट मॉस कहलाता है क्योंकि वह डिपोजिट होकर के एज ए फॉसिल्स के फॉर्म में भी हमें बहुत साल के बाद, और स्फैग्नम को एज ए फ्यूल के रूप में भी बहुत सारे जगह पर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर स्फैग्नम इज ऑल्सो कॉल्ड पीट मॉस बिकॉज, क्यों, तो इट ग्रो इन एसिडिक मार्सेज बॉग एंड हेल्प इन पीट फॉर्मेशन, जो धीरे धीरे डिपोजिट होकर पीट का फॉर्मेशन कर देते हैं। मॉस प्लांट इज ए, मॉस प्लांट क्या है, तो मॉस प्लांट इज ए प्रीडोमिनेंटली गैमेटोफाइट, समटाइम्स गैमेटोफाइट नहीं, प्रीडोमिनेंटली गैमेटोफाइट विद स्पोरोफाइट अटैच टू इट। ओके एडियंटम और पटेरिस फर्न, एडियंटम और पटेरिस को ही फर्न भी कहते हैं, एडियंटम पटेरिस यानी ऑब्लिक फर्न्स आर, तो ये क्या होते हैं, तो हेट्रोस्पोरस नहीं है, होमोस्पोरस होते हैं, दोनों स्पोर जो बनेंगे सेम जैसे होंगे। द मेन प्लांट बॉडी डोमिनेंट प्लांट इन लाइफ साइकिल ऑफ ए फर्न ट्रीडोफाइट इज, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, तो मेन प्लांट बॉडी प्रीडोमिनेंट प्लांट इन लाइफ साइकिल ऑफ ए फर्न ट्रीडोफाइट इज, तो स्पोरोफाइट कहते हैं उसको। स्टेम इन फर्न इज अंडरग्राउंड मोनोपोडियल रूट स्टॉक एंड कॉल्ड, तो उसको हम लोग कॉर्न कहते हैं। ये सब आपको रनर सकार स्टोलेन मॉर्फोलॉजी में भी आपका हो चुका होगा, ठीक है, या फिर होगा तो यहाँ पर आप आगे भी मिलेगा आपको ये चीज। लीव्स ऑफ फर्न्स आर, फर्न्स के लीफ कैसे होते हैं, तो लीव्स ऑफ फर्न पाइनेटली कंपाउंड एंड ग्रो बाय एपिकल मेरिस्टेम। आई थिंक ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ये मॉर्फोलॉजी से एक्चुअली रिलेटेड क्वेश्चन है, लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में, पाइनेटली पालमेंटली ये सब लीफ, तो अगर नहीं भी समझ में आए तो आप इसे लीव कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको फिर से मॉर्फोलॉजी में पूरा क्लियर होगा। लीव्स बियरिंग सोराई आर कॉल्ड, हाँ सोराई तो आपको अच्छे से पता है, तो वो स्पोरोफिल होते हैं। फिर आइए एंथ्रोजॉइड, एंथ्रोजॉइड का मतलब स्पर्म इन फर्न मोस्ट ऑफ ट्रीडोफाइट्स आर, तो वो कैसे, तो मल्टीसिलिएटेड
और मल्टी फ्लैजिलेटेड एंड स्पाइरली क्वाइल्ड होते हैं। व्हाट रिप्रेजेंट द गैमेटोफिटिक जेनरेशन इन ट्रिडोफाइट्स? तो मेन प्लांट बॉडी हार्ट शेप्ड प्रोथैलस, तो हार्ट से प्रोथैलस में आते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है थोड़े इजी इजी हैं। अब आइए एंथ्रीडियम इन फर्न इज, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा डील करने के नहीं है। फर्न्स आर कैरेक्टराइज बाय, यहाँ तक सब चीज़ है। ट्रू हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन इज फाउंड इन, देखिए क्वेश्चन नंबर 114। तो यहाँ पर देखिए ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन यानी प्लांट के अल्टरनेशन, जो हैप्लोन्टिक डिप्लोन्टिक एंड हैप्लो डिप्लोन्टिक आपको तीन लाइफ साइकिल हमने पढ़ाया है, और इसी कन्फ्यूजन से बचाने के लिए हमने आपको लाइफ साइकिल चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कंप्लीट कर दिया था, ताकि आपको जब ये हम किसी ब्रायोफाइटा या एल्गी में लिखें कि हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो उस चीज़ का रिविजन करेंगे तो आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। तो ट्रू हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन इज फाउंड इन, तो ये सेलाजिनेला में होता है। वॉल्किंग फर्न इज नेम्ड एज नेम सो एज, उसको वॉल्किंग फर्न क्यों कहते हैं? तो क्योंकि वह स्प्रेड कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी देखिए, इट स्प्रेड एंड प्रोपेगेट वेजिटेटिवली बाय इट्स लीफ टिप्स। ओके, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। फिर आइए ऑप्शन में, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116। वाटर फर्न कैपेबल ऑफ फिक्सिंग एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एंड यूज एज बायोफर्टिलाइजर। तो यहाँ पर देखो एजोला जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, तो ये राइस प्लांट के साथ, खास करके एजोला जो है जो वाटर के फील्ड होते हैं उसमें क्या करते हैं, फिक्सेशन यानी रिस्पायरेशन में मदद करते हैं, और इस वजह से उसको, तो एजोला जो है वो राइस फील्ड में ज़्यादा यूज होते हैं, यूज नहीं मतलब वो काम करता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो यहाँ पर एजोला। विच ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म इज क्लोज टू एंजियोस्पर्म, कौन सा जिम्नोस्पर्म का जो है वो एंजियोस्पर्म के, तो जेनिटल्स जो होते हैं वो एंजियोस्पर्म के क्लोज में होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स आर डिफर फ्रॉम एंजियोस्पर्म इन, किस वजह से, तो जिम्नोस्पर्म में ओवेरी नहीं होता है, इसलिए उसमें सीड तो बनते हैं लेकिन सीड कोट नहीं होता है, सीड विदाउट कोट जिम्नोस्पर्म, जबकि एंजियोस्पर्म का सीड विथ कोट, तो सीड के ऊपर एक कोट होते हैं, तो वहां पर डिफरेंस क्या आ जाती है, तो ओवेरी की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द डोमिनेंट वेजिटेशन इन कोल्डर रीजन, तो वह जो है वह कोल्डर रीजन में डोमिनेंसी जिम्नोस्पर्म की होती है। एंड ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स दैट हैज नॉट चेंज फॉर द लास्ट सेवरल थाउजेंड ईयर इज, तो वह गिंको बिलोबा, ये सब भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं है। सिफ्नोगैमिन ट्रैकियोफाइट्स, तो सिफ्नोगैमिन ट्रैकियोफाइट्स में जो है वह डिपेंडेंस ऑन यानी कि वाटर से डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। देखिए ये सब चिलगोजा वगैरह आपको बता रखा है, चिलगोजा को एज ए ड्राई फ्रूट के रूप में भी हम लोग खाते हैं, जैसे काजू आप खाते हैं ना, काजू हुआ बादाम हुआ, उसी तरह चिलगोजा के सीड को खाते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि चिलगोजा इज ए फ्रूट ऑब्टेन फ्रॉम जिम्नोस्पर्म, तो विच इज, तो वह गिगार्डियाना, पाइनस गिगार्डियाना को ही चिलगोजा कहते हैं हम लोग। बाकी ऊपर के क्वेश्चन थोड़ा इजी जी हैं वो कर सकते हैं आप। वेसल्स आर एबसेंट इन द जाइलम ऑफ, वेसल्स जो हैं वो एबसेंट होते हैं जाइलम में, तो किसके जाइलम में, तो वो वेसल जो होते हैं वो एबसेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म में। आपको जब एंजियोस्पर्म पढ़ाए होंगे तो बताए होंगे कि प्रेजेंस ऑफ वेसल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म। वन ऑफ द जिनेटम वगैरह को छोड़ करके, जिनेटम जिम्नोस्पर्म में लेकिन उसमें भी मिलता है, वो एक्सेप्शन है। वन ऑफ द मेन इवोल्यूशनरी फीचर ऑफ द अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन फ्रॉम एल्गी टू फ्लावरिंग प्लांट इज, तो देखिए ग्रेजुअल एलेबरेशन ऑफ एस्पोरोफाइट। ओके, फिर आइए इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एंजियोस्पर्म रिजेंबल द जिम्नोस्पर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग द एंजियोस्पर्म रिजेंबल द जिम्नोस्पर्म, तो यहाँ पर तो नेचर ऑफ एंडोस्पर्म, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स, सिफ्नोगैमी एंड डबल फर्टिलाइजेशन, तो आंसर इसका हम लोग सिफ्नोगैमी करेंगे। फिर आइए जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है ये यहाँ पर, उसके बाद फिर क्वेश्चन देखिए 132। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म द पॉलन ट्यूब कैरीज द मेल गैमेटोफाइट टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड दस डज नॉट रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, इट इज रेफर्ड एज, तो पोरोगैमी, सिफ्नोगैमी, मेजोगैमी, सिनगैमी, तो उसको हम लोग सिफ्नोगैमी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर इम्पॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट, तो सीड हाइब्रिड के लिए हेट्रोस्पोरी का फॉर्मेशन होते हैं,
मेगास्पोरोफिल ऑफ वास्कुलर प्लांट इज एनालोगस टू विच स्ट्रक्चर इन एंजियोस्पर्म? तो वह ये कार्पेल या स्टामिन जो है वो फीमेल पार्ट होते हैं, तो उसी का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये कार्पेल है। एंजियोस्पर्म हैव डोमिनेंट द लैंड फ्लोरा प्राइमरली बिकॉज ऑफ देयर, तो क्योंकि एडेप्टिलिटी जो डाइवर्स हैबिटेट होते हैं उसके वजह से उसमें ऐसा देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर जो लगभग लगभग सारे क्वेश्चन का हम लोगों ने डिस्कशन कर दिया है, उसके बाद भी अगर आपको मान लिया डिस्कशन के दौरान भी आपको कोई डाउट रह गया या कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं, यू कैन कॉल मी फ्रेंकली, ठीक है, मैं अपना नंबर भी दे देता हूँ, ठीक है, ये हमारा 9097015051। अगर जो कुछ क्वेश्चन रिमेनिंग 4-5 क्वेश्चन जो मुझे लगे थोड़े ईजी हैं तो उसको मैंने स्किप किया है, उसमें भी अगर आपको डाउट है यू कैन कॉल मी या व्हाट्सअप मी, पुट ए मैसेज, ठीक है, जो डाउट है उसको पुट कर दीजिए, उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ओके बेटा, चलिए, थैंक यू।